नमस्ते, नाम बताइए आपका। मेरा नाम रेणुका बुराती है और मैं रेसलर हूँ। तो अभी तक जिस तरह से आपने कुश्ती लड़ा, क्या क्या मेडल आप जीत चुके हैं और आगे का क्या लक्ष्य है आप लोगों का? मैं तो 10 नेशनल खेल रखा है और बहुत सारे स्टेट है मेरे पास, गोल्ड स्टेट में। और अभी आगे का लक्ष्य मेरा एनएस करना है। जिस पापा ने जिस तरह हमको तैयार करा, एक मेरी छोटी बहन है वो अभी एनएस कोच की ट्रेनिंग पे गई है, मैं भी उस तरह जाना चाहती हूँ। और मैं इन बच्चियों का भविष्य अच्छा करना चाहती हूँ, उज्जवल की ये लोग भी ओलंपिक खेलें। आपके पापा ने किस तरह से आप लोगों को पहलवान बनाया? और दूसरा, जो दंगल की जो कहानी है वो किस तरह से मिलती है? सूट होती है, आप ये समझ लीजिए, उनको देखो या हम दोनों को देखो बिल्कुल सेम है। क्योंकि पापा ने इस तरह हमको सुबह सुबह उठा के दौड़ाया है, हमको प्रैक्टिस खुद करवाया है। पहले गद्दे नहीं थे तो हमको मिट्टी पे ट्रेनिंग दी पापा ने, और ऊपर प्रैक्टिस करते थे हम लोग। फिर ये तो मैं बाद में, फिर इस पर हमारी अच्छी ट्रेनिंग होने लगी। पापा ने हमको बहुत सपोर्ट किया और पापा ने हमको ट्रेनिंग दी अच्छी तरह। मोहल्ले वालों ने किस तरह से मजाक उड़ाया? मोहल्ले वालों ने तो इस तरह से मजाक उड़ाया है कि लड़की माँ बाप को शर्म आना चाहिए, बच्चियों को कुश्ती करवा रहे हैं, छोटे छोटे कॉस्ट्यूम पहन के लड़कियाँ लड़कों के बीच में लड़ रही है और हंसी उड़ाते थे हमारी। और जब हमारा नाम होने लगा तो उनकी लड़कियों को हमारे पास भेजने लगे हैं, तो हमने एक्सेप्ट भी किया कि समाज है, कहता है, इनकी बातों पर कौन ध्यान दे। अगर इनकी बातों पर ध्यान देंगे तो आगे फ्यूचर कोई अपना अच्छा नहीं कर पाएगा। और जो लोग हम पे हंसी उड़ाते थे वही आज हमको शाबाशी दे के जाते हैं। दंगल जैसी फिल्म आपके आप लोगों के ऊपर भी बनना चाहिए, क्या ऐसा लगता है आप लोगों को? दंगल जब देखा फिल्म तो ऐसा लगा कि हमारी जीवन चल रहा है वो। हम इतने छोटे छोटे थे, प्रैक्टिस शुरू करी थी हमने भी, हमारे भी छोटे छोटे बाल थे और पापा प्रैक्टिस करवाते थे हमको। बाकी जो बहनें हैं वो किस तरह से विरोध करती थी पापा की प्रैक्टिस का, और उस ज़माने में क्या क्या कहानी होती थी? नहीं, पापा, मेरी सिस्टरों ने विरोध नहीं किया, हमारा तो कुश्ती का खानदान है तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया घर में से, सब ने हमको प्रोत्साहन ही दिया है। पर मोहल्ले वालों ने और बस हंसे हमारे ऊपर, वो लोग हंसते थे हमारे ऊपर और वो लोग घर मतलब हंसते ही थे। अभी जब मोहल्ले के लड़के और सब निकलते हैं, आप लोग निकलते तो किस तरह का सीन बनता है? अब निकलते हैं तो जमाना देखने खड़ा हो जाता है कि अरे देखो रेसलर निकलती है, कुश्ती करती है, ये अच्छी पहलवान है, नाम है इनका, संसार में नाम चल रहा है। और देखते हैं और फिर दूसरे लड़के भी आते हैं कि हमको भी आपकी जैसा कुश्ती सीखना है, बहुत सारे लड़के भी आते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं। कभी ऐसी कोई घटना हुई, छेड़छाड़ हुई तो आप तीनों को सबक सिखाया आप लोगों ने? ऐसी तो बहुत घटना हुई अंकल, बहुत सारी हुई है, हमने कई लोगों को मारा भी है। वो छेड़छाड़ तो होती है, लड़की चलती तो सामने वालों को क्या पता पहलवान है। आजकल की लड़कियां बल्ले सल्ले नहीं बढ़ाती ना, आजकल टेक्निकल हो गई है, टेक्निकल फॉल से कुश्तियाँ होती है, तो सामने वाले को महसूस ही नहीं होता है कि ये लड़की, लेकिन जब वो अपना हाथ उठाना शुरू करती तो पता चलता है कि नहीं ये पहलवान है। दिखने की तो हम नॉर्मल लड़कियाँ जैसी दिखती है, लेकिन अलग ही प्रैक्टिस और अलग पावर शरीर में रहती है। तो सेल्फ डिफेंस की भी, सेल्फ डिफेंस की भी बिल्कुल प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, बचाव बिल्कुल आता है कि किस तरह से कोई वार करे तो बचाव किस तरह से करना है। कुश्ती तो खिलाड़ी, कुश्ती तो एक खेव है। ठीक, नाम मेरा नाम रेणुका बरासी।